हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज दीपक गंगवार, स्टूडेंट प्रेफरेंस ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। सो इन टुडेज क्लास विल सी क्लोजिंग चेकलिस्ट। डेली स्टोर क्लोजिंग चेकलिस्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट क्लोजिंग प्रोसीजर्स एट अ सर्टेन टाइम और व्हेन द पर्सन इन चार्ज सेज इट इज ओके। डू नॉट रश कस्टमर्स आउट लॉन्ग बिफोर द एडवर्टाइज क्लोजिंग टाइम। ओके, अनाउंस द कस्टमर्स दैट यू आर क्लोजिंग सून। यू ऑल्सो माइट लॉक द डोर्स टू न्यू कस्टमर्स एट अ पर्टिकुलर टाइम। देखिए, स्टार्ट क्लोजिंग प्रोसेस सर्टेन टाइम, जैसे आपके स्टोर का बंद होने का टाइम 10 o'clock है नाइट में, तो आपको क्या करना है, द पर्सन इज चार्ज से इट इज ओके। अगर कोई कस्टमर्स आना चाहता है कि नहीं नहीं बस कि बस मुझे एक ही चीज खरीदनी है, तो आप डिसाइड कर सकते हैं उसको अंदर आना है कि नहीं आना है। आपका जो अंदर है, अनाउंस द कस्टमर दैट यू आर क्लोजिंग सून। यू माइट लॉक द डोर्स फॉर द न्यू कस्टमर्स एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑल्सो। आप नए लोगों के लिए गेट बंद कर सकते हैं और उनके लिए एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए अनाउंसमेंट कर सकते हैं कि आप बंद कर रहे हैं, तो जल्दी से अपनी बिलिंग करा लें। व्हेन द लास्ट कस्टमर्स लीव, सिग्नल दैट यू आर क्लोज विद एप्रोप्रिएट सिग्नल। जब लास्ट कस्टमर चला जाए तो सब कुछ क्लोज करें। वॉक द स्टोर्स एंड डू एनी नेसेसरी स्ट्रेटनिंग क्लीनिंग Decluttering the opening people depend on the being done properly। जब सब लोग चले आएँ तो उसको स्टोर की क्लीनिंग करवाएं, decluttering करवाएं। opening people depend on the being done properly। जब सब कुछ हो जाए इसके बाद ही स्टोर छोड़ें। Restock shelf at this time or as needed but do not interrupt customers unnecessarily। Restock shelf at this time, स्टॉक को रीशेल्फ करें, शेल्फ में रखें जहाँ पे अगर कुछ चीज़ गलत कैटेगराइज कैटेगरी में चल गई तो उसको वहाँ पे सजाएं। बट डू नॉट इंटरप्ट कस्टमर्स अननेसेसरली, कस्टमर्स को इंटरप्ट ना करें, बेकार में उन्हें परेशान ना करें। मेक श्योर ऑल शेल्फ रैक डिस्प्लेज आर प्रॉपरली फिल्ड एंड अरेंज। मेक श्योर करें कि सब शेल्फ में, रैक में, डिस्प्लेज में सब प्रॉपरली फिल्ड हैं, वेल अरेंज। कस्टमर्स ऑफन डोंट पुट थिंग्स बैक करेक्टली। अक्सर कस्टमर जो हैं जहाँ से चीज उठाते हैं वहाँ पे नहीं रखते हैं, तो ये चीज भी ध्यान रखें। एम्प्टी ऑल ट्रेशर्स रेस्पेक्टिकल्स एंड डिस्कार्ड बॉक्सेस एंड पैकिंग मटेरियल्स लेफ्ट इन स्टोरेज एरियाज। जितने भी खाली बॉक्सेस हैं पैकिंग मटीरियल्स हैं उनको स्टोरेज एरियाज में छोड़ दें। Close out all registers or the POS system। सब register, अपने point of sale machine के सारे registers को बंद कीजिए। Count the cash count कीजिए and reconcile कीजिए इसे and create payments with sales और sales के साथ में payment comparison कीजिए। Do all necessary cross check based on your internal control। ये सब internal control के base पे होगा और क्रॉस चेक कीजिए। बेस्ड ऑन योर प्रोसीजर्स यू माइट टू टेक सम कैश इनटू अनदर स्पॉट सच एज बैक ऑफिस फॉर लेटर डिपॉजिट। इन सब प्रोसीजर्स के आधार पे आपको ये कैश जो है अपने बैक ऑफिस टीम को और फॉर लेटर डिपॉजिट के लिए आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट्स और इफ यू हैव एनी type of query, you can ask me in comment box and can ask your doubts in live sessions also. So that's all for today's. Thank you.